लोग को जुगाड़ी एचपी के बारे में बताते हैं। हमारे पास ये 5 HP का इंजन था, इसको हमने ले लिया, और ये मेरे पास थ्रेसर का ये ढांचा था, इसको हमने ले लिया है, और ये हमने एग्रो स्टार से 4,500 का किसान क्राफ्ट का पंप मंगा लिया। वो इसका 30 नंबर का पंप है, KK30C CI3 है, और हमने किसान क्राफ्ट का ही 5,500 में पाइप मंगाया था, 5 लेयर और 220 kg प्रेशर का। आइए इसको बारे में फंक्शन बताते हैं इसका। आइए इधर, ये इनलेट है जो पानी को सेक्शन करता है, आप इस सेक्शन देख सकते हैं इसका, इसको ड्रम में डाल दिया जाता है, और ये आउटलेट है जो स्प्रे के लिए जाता है पंप में, पंप से। ये अगर इसमें 2 नोजल का है, आप 3 नोजल भी ले सकते हैं, कि लेकिन किसानों के लिए कोई जा सकता नहीं है, ये सिंगल स्प्रे ही करना होता है। इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं इसको, और जैसे बाईपास वाल है, ये जब प्रेशर इसको नहीं चाहिए तो इसे उठा देते हैं और ये वापस बाईपास वाल रिलीज हो जाता है, पानी वापस ड्रम में चला चला। हमने इसमें एक और जुगाड़ किया है, मेरा ये जो इंजन है वो वाटर कूल्ड है, अगर ये आपके पास एयर कूल्ड होता तो मान लीजिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी आपको। हमने इसका बाईपास जो पानी जाता है इसमें डायरेक्ट इंजन में भेज के, और इसको डायरेक्ट इस दवा के पानी से हम लोग इसको कूल कर देते हैं। और आइए हम लोग आपको स्प्रे का दिखाते हैं। दो इसमें जुड़ा हुआ है, 100 मीटर का 2 पाइप जुड़ा हुआ है, काफ़ी दूर तक स्प्रे होता है, और इसका जो क्षमता है वो 450 मीटर का है। आइए हम लोग आप लोगों को स्प्रे करके दिखाते हैं। चलो भाई मुझे बताइए, देखिए ये 1 मीटर का हमारा नोजल है, इसमें 2 मीटर का वही नोजल आता है, वो पिछली बार हमने लिया था लेकिन वो ख़राब हो गया, वो फिलहाल मेरे पास ये पड़ा हुआ था इसलिए इसको हम लगा दिए हैं। देखिए इंजन स्टार्ट हो गया है, प्रेशर रिलीज होना चालू हो गया है, अब देख सकते हैं इसकी लेंथ, ये हम लोग का जो पहता है वो 20 फीट का है, अब देख लीजिए 20 फीट कवर करता है एक साइड में, कितना फॉग है इसमें, आप इसको कम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितना मस्त फॉग बना रहा है, इसको दूर भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 40 फीट तक मार देता है। इसमें महंगा वाला भी नोजल आता है, इटालियन गन अगर है वो 2,500 का पड़ता है, लेकिन हम लोग यही सकते हैं, देख सकते हैं कितना मस्त फुहारा बना रहा है। आप जुगाड़ू HTP से भी इसके खर्च की बात करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास इंजन अवेलेबल था, और वो ढांचा पचा भी मान लीजिए अवेलेबल है, अगर ढांचा पचा आप बनवाते हैं उसका तो 2,000-3,000 के लगभग ढांचा पचा पड़ेगा, 4,500-4,500 का पंप, 4,300-7,000, और पाइप मान लीजिए 200 मीटर अगर लेते हैं तो 10,000 का पाइप, से अगर 100 मीटर पाइप लेते हैं तो मान लीजिए 5,500 का पाइप, तो साफ चला। इसके माध्यम से हम लोग अपना गाड़ी ओड़ी जैसे मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से गंदा हो जाता है तो उसको भी धो लेते हैं, और खर्च की बात आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। नमस्कार, इस तरह से आप लोग जुगाड़ी साधन से अपना खेती को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और ये लंबे खेती के लिए बहुत ही परफेक्ट है, इसलिए कि जब किसान के पास 10-20 बीघे कोई फसल होती है, और ख़ास करके बारिश की सीज़न में शॉर्ट टर्म में अगर बारिश 1-2 घंटे का समय मिलता है, आप लोगों के पास पंप के माध्यम से ज़्यादा छिड़काव नहीं हो पाता है, और इसके माध्यम से हम लोग 1 घंटे में 4-5 बीघे
कवर कर लेते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ उगाड़ है। इसको आप खरीदने जाएंगे तो इस तरह का अगर पंप लेते हैं आप तो ये आपका 70-80 हज़ार रुपये का इतना मजबूत पंप मिलेगा आपको। जुगाड़ के माध्यम से भी आप इस तरह का पंप बना सकते हैं। धन्यवाद।